लोकतंत्र में महिलाओं के लिए इस कानून से बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत को विकसित बनाने के लिए आज भारत की नारी शक्ति को खुला आसमान देने का ये अवसर है। आज देश माताओं, बहनों, बेटियों के सामने आने वाली हर अड़चन को दूर कर रहा है। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने माताओं बहनों से जुड़ी हर बंदिशों को तोड़ने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे हमारी बहनों को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिले। हमने बहनों बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या को दूर करने पर भी पूरी गंभीरता से ध्यान दिया है। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले इसके लिए हमने मातृवंदना योजना चलाई, महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए, माता मृत्यु को रोकने के लिए, नवजात बच्चों की रक्षा के लिए हमने शिशु का जन्म अस्पताल में ही कराने का बहुत बड़ा अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही न समाप्त कर दिया जाए इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन भी शुरू किए। आज वर्षों बाद देश में जनसंख्या के आधार पर महिला पुरुष के अनुपात में सुधार आया है। इसी तरह शौचालय न होने की वजह से बेटियां स्कूल न छोड़े इसके लिए हमने करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे इसके लिए हमने सुकन्या समृद्धि योजना में ज्यादा ब्याज का प्रावधान किया। बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। बेटी को पानी के इंतजाम में परेशान होना न पड़े इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योजना शुरू की। मेरे परिवारजनों, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी प्यारी बेटी बिना बाधा के जीवन बिताए, जीवन में आगे बढ़े। एक परिवार के सदस्य की तरह हमारी सरकार ने
बेटी के हर सुख की चिंता की है, हर बाधा दूर करने की कोशिश की है। बेटी को अंधेरे में न रहना पड़े, इसके लिए हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। बेटी पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी छिपाए नहीं, इसलिए हमने उसे 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी। बेटी की या घर की संपत्ति पर भी अधिकार हो, इसके लिए पीएम आवास के घरों में उसे संयुक्त